दिल्ली जयपुर राजमार्ग स्थित निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान जयपुर के खेल मैदान में स्पर्धा 2020 के समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि निम्स यूनिवर्सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शोभा तोमर और विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर पंकज सिंह रहे। इस पर देखिए एक हमारी खास रिपोर्ट। स्पर्धा 2020 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का समापन समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसमें पुरुष और महिला वर्ग में 15 अलग अलग प्रकार के खेल खेले गए। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों और टीम को सम्मानित किया गया। खेल प्रतियोगिताओं में पुरुष वर्ग क्रिकेट में इंजीनियरिंग कॉलेज ने प्रथम और पैरामेडिकल कॉलेज ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। कबड्डी पुरुष वर्ग में इंजीनियरिंग कॉलेज पहले और मैनेजमेंट कॉलेज दूसरे स्थान पर रहा। वहीं कबड्डी महिला वर्ग में इंजीनियरिंग कॉलेज की टीम ने प्रथम और डेंटल कॉलेज की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। खो खो महिला वर्ग में डेंटल कॉलेज प्रथम और पैरामेडिकल कॉलेज की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो वहीं दूसरी तरफ पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान पर मेडिकल कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज की टीम दूसरे स्थान पर रही। समारोह में मुख्य अतिथि MD डॉक्टर शोभा तोमर ने सभी विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। यहाँ के बच्चों ने इतना अच्छा किया है, सबके कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया। बच्चों ने खेल को खेल की भावना से खेला। जब मैं स्टूडेंट थी, मैंने भी बहुत रिले रेस में, थ्री टांग में, म्यूजिकल चेयर रेस में, इसमें बहुत भाग लिया है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कि मैं अपने पुराने दिन मेरे को याद आ गए अपनी लखनऊ यूनिवर्सिटी के। खेलों से स्वास्थ्य ठीक रहता है, मस्तिष्क ठीक रहता है और बॉडी की फिटनेस भी ठीक रहती है। पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी महत्व बहुत जरूरी है। स्पर्धा 2020 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की ओवरऑल ट्रॉफी मेडिकल कॉलेज और सेकंड ओवरऑल ट्रॉफी डेंटल कॉलेज ने जीती। विशिष्ट अतिथि निदेशक डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों को खेल खेलना बेहद जरूरी है। उन्होंने सभी विजेताओं और सभी कोऑर्डिनेट्स को पुरस्कृत किया। खेल किसी भी समाज, किसी भी सोसाइटी को ऊपर उठाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे खुशी है कि निम्स के एम्प्लॉयज़ ने, निम्स की टीम ने मिलकर इन 4 दिनों में स्पर्धा का आयोजन किया। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, कई टीमें जीती, कहीं हारी, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि खेल की मूल भावना खेल में है, जीतने हारने में नहीं। जो आज हारे हैं कल जीतेंगे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द टीम्स इरिस्पेक्टिव दे वॉन्ट और लॉस्ट। थैंक यू वेरी मच। एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो स्वस्थ शरीर को रखने के लिए खेलों की अहम भूमिका है। जब हम एक कंप्लीट एक एक्सरसाइज करते हैं, वी प्ले एवरी डे, हमारी बॉडी फिट रहती है और उसी से एक देश का विकास होता है, क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ देश का निर्माण कर सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर संदीप त्रिपाठी ने की। स्पर्धा 2020 का सफलतापूर्वक आयोजन आशीष माथुर और उनकी टीम ने किया। इस अवसर पर निम्स विश्वविद्यालय के सभी प्राचार्य, फैकल्टी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। न्यूज इंडिया के लिए स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।